टिकटॉक मिलता था, अब 15 रुपए का नान हो गया, टिकटॉक ने बंद कर दिया और भी नान महंगा हो गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने नवाज शरीफ के दौर में टिकटॉक लिया था, दर्जन के हिसाब से तो खराब निकल आए हैं, अब उसकी जिम्मेदार कौन सी गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट है या मौजूदा गवर्नमेंट है? मौजूदा। क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को? टिकटॉक जो है वो किलो के हिसाब से मिलना चाहिए, दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए? दर्जन के हिसाब से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, अनु पखेर अगले कई फहालू का हबीबी, माय फ्रेंड्स, छा हाला जिथे पैर उथी खैर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम, आप देख रहे हैं फ्रेमिन टीवी। व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी पाबंदी लगाई है टिकटॉक के ऊपर, यहाँ पे हमारे कुछ मजदूर भाई खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। पहले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, ये हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई है, आप क्या कहते हैं, इससे और कर्जा चढ़ेगा क्या होगा? कर्जा भी चढ़ेगा और महंगाई भी कर दी है, गरीब आदमी कहाँ जाए, सारे वेले बैठे हुए हैं, जितने भी लोगों को काम दिए हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को लाखों रुपए दे दिए, गरीब आदमी इधर मर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बंद होने से पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ेगा? बिल्कुल जी चढ़ेगा, इन्हें क्या कर्जा बंद नहीं करना, ये कर्जा चढ़ेगा। हाँ जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हुकूमत टिकटॉक बंद कर रही है, ते की कहंदे ओदे नाल नुकसान होना है फायदा होना है? सर इसमें सरासर नुकसान है। इस टिकटॉक से बहुत कुछ कमा लेते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा। आप कैसे कमाते थे? मैं एक स्कूल का गार्ड हूँ, अब वो भी स्कूल भी बंद है, इधर मजदूरी भी नहीं मिल रही, अब क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बंद करेंगे तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, कर्जा और चढ़ेगा? साफ ज़ाहिर है डॉलर तो ऊपर जा रहा है और जा चुका है, अभी जाने की तो बात ही ना करें, और मजीद जाएगा इंशाल्लाह। चाचा जी, यह हुकूमत जी टिकटॉक से पाबंदी ला रही है, सही करें ना गलत करें? सर जी ये बहुत ही ज्यादा गलत काम है, साड़ी आम वास्ते भी साढ़े। सर ये हुकूमत पाकिस्तान ने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई है, आप क्या कहेंगे, सही है गलत है? गलत है। अच्छा दूसरी बात ये है, ये कराना कहते हैं ठीक है होगा, लेकिन ये जुमा हफ्ता और त्योहार में होती है, आज दिन कराना किधर जाती है? मैं नहीं बताऊंगा किस किस से इसने कर्जा नहीं लिया, मैं नहीं बताऊंगा। डैम्प बन गया जी, कहां डैम्प बना? मैं नहीं बताऊंगा। उसका रुपया किधर है मुझे बताए? मैं नहीं बताऊंगा। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इसे जल्द से जल्द ऊपर ले जाए। सर ये हुकूमत ने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई है, आप क्या कहते हैं, इससे फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्राण हन सत्यानाश कर दिया, गरीब लोग जड़े ने मजबूर होते बाहर सड़कों ने मंगन शुरू कर गए। टिकटॉक मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा या नहीं? नहीं। आपने आखिरी दफा टिकटॉक कब लिया था? ये पिछले दिनों में। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपने दौरे हुकूमत में टिकटॉक सही इस्तेमाल करते थे? सही कहा, वो तो हुकूमत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये टिकटॉक पे पाबंदी लगा रही है, सही करी है गलत करी है? टिकटॉक पे लगनी भी चाहिए, नहीं भी लगनी चाहिए, अच्छा भी है नहीं भी अच्छा, बल्कि पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि ये नुकसान कर रही है। अच्छा टिकटॉक दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए या फिर किलो के हिसाब से? नहीं, दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने नवाज शरीफ के दौर में टिकटॉक लिया था, दर्जन के हिसाब से तो खराब निकल आए हैं, अब उसकी जिम्मेदार कौन सी गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट है या मौजूदा गवर्नमेंट है? मौजूदा। क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को? कुछ लोग बिस्तर में घुस के टिकटॉक देखते हैं, सही करते हैं गलत करते हैं? सही करते हैं। हुकूमत ने टिकटॉक पे पाबंदी लाई है, सही किया या गलत किया? गलत किया। अच्छा मैंने बताओ कि नवाज शरीफ साहब टिकटॉक सही इस्तेमाल करे सन या इमरान खान साहब? नवाज शरीफ। क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला नवाज शरीफ को? ते नवाज शरीफ साहब तो कहते सन कि टिकटॉक में पुलों के बीच भी पाया है, अंडरपास जो बनाए उन्होंने भी पाया, गल सही है झूठी है? सही। व्हाट
टिकटॉक की वजह तुम्हें लगता है कि कर्जा होर चढ़ेगा? होर चढ़ेगा जी सर। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है टिकटॉक पे पाबंदी लगा रही है, आपके कहते हैं कि इससे नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा और गरीब आवाम तो पहले नीचे जा रही है, इससे ज्यादा नीचे चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि टिकटॉक जो है वो किलो के हिसाब से मिलना चाहिए, दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए? किलो के हिसाब से मिलना चाहिए, कम महंगा ना हो, सस्ता हो, गरीब आवाम रोटी खाए। पाकिस्तान ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है, क्या कहते हैं इससे नुकसान होगा? ये नवा बनाने की बजाय अगला भी ढाई जाते हैं, अगला भी ढाई जाते हैं, साढ़े इतने सिकटा के पैसे नहीं पूरे हो रहे, अज हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगी। जब टिकटॉक पर पाबंदी नहीं थी तो आपके हैम्बर किराए पे जाया करते थे? हाँ जी, पहले जाती करती थी। टिकटॉक मिलता था, अब 15 रुपए का नान हो गया, टिकटॉक ने बंद कर दिया और भी नान महंगा हो गया। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा सर, मैंने दसो के टिकटॉक जो है, टिकटॉक जो है ये दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए, किलो के हिसाब से मिलना चाहिए? ये पाने किलो के हिसाब से मिलना चाहिए। टिकटॉक किलो के हिसाब से लगना चाहिए या दर्जन के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से लगना चाहिए। टिकटॉक दर्जन के हिसाब से लगना चाहिए किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। टिकटॉक दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए या किलो के हिसाब से मिलना चाहिए? दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए। टिकटॉक किलो के हिसाब से लगना चाहिए या दर्जन के हिसाब से? किलो के हिसाब से लगना चाहिए। टिकटॉक जो है वो किलो के हिसाब से मिलना चाहिए, दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए? दर्जन के हिसाब से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टिकटॉक पे पाबंदी लगा रही है, सही करी है गलत करी है? नहीं, गलत कर रही है सर जी, सही नहीं कर रही। टिकटॉक दी मंदी, टिकटॉक दी मंदी, टिकटॉक दी मंदी। जी व्यूअर्स, आज हमने आपको अवाम की राय बताई, अवाम क्या चाहती है कि टिकटॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोगों का ये कहना था कि सबका गवर्नमेंट में टिकटॉक के हालात बहुत अच्छे थे और मौजूदा गवर्नमेंट में टिकटॉक के हालात बहुत बुरे हैं। इमरान खान साहब जो है उनकी वजह से जो टिकटॉक है वो लॉस में जा रहा है, और टिकटॉक जो है वो दर्जन के हिसाब से मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि किलो के हिसाब से मिलना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद